जय हिंद दोस्तों, किक इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कूका रोबोट में सर्कुलर वेल्डिंग के टीचिंग के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, कोई भी मॉडिफिकेशन करने से पहले हमें रोबोट को मैनुअल मोड में डालना होता है और उसके बाद हमें वो रो ब्लॉक सिलेक्शन करना होता है जिस पॉइंट पे हमें टीचिंग करना होता है। हम उस रो लाइन पे क्लिक करके और यहाँ से जो पेंडेंट में ब्लॉक सिलेक्शन नीचे दिया हुआ है, यहाँ से ब्लॉक सिलेक्शन पे क्लिक करके और उसे ब्लॉक सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ब्लॉक सिलेक्शन किया। इसके बाद हम रोबोट को फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड की, जैसा कि आपको पता है कहाँ पर होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फॉरवर्ड की कहाँ पर है, वहाँ से हम फॉरवर्ड करेंगे और फॉरवर्ड करके रोबोट को उस टीचिंग पॉइंट तक ले जाएंगे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है डेडमैन स्विच जो कि आप इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, या इसको हमें प्रेस करके रखना होता है जिससे हमारा ड्राइव ऑन रहता है। ड्राइव ऑन होते वक्त यहाँ पे ग्रीन रहता है जो आई लिखा हुआ होता है, नहीं तो जब ड्राइव ऑफ होता है तब यहाँ ग्रीन नहीं होता है। तो हम जब तक टीचिंग करते हैं उतना टाइम तक हमें डेडमैन स्विच को प्रेस करके रखना पड़ता है और एक्सिस बटन से एक्स वाई प्लस माइनस करके हम एक्सिस रोबोट को एडजस्ट करते हैं और यहाँ से टचअप के ऑप्शन पर क्लिक करके उस रो को टचअप कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे टचअप पे क्लिक किया और यस कर दिया हूँ। अगले स्टेप के लिए हम दूसरे रो पे क्लिक करेंगे और ब्लॉक सिलेक्शन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं ब्लॉक सिलेक्शन करूँगा और यहाँ से फॉरवर्ड बटन प्रेस करके और उसे आगे की तरफ प्रेस करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा टीचिंग परफेक्ट है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सर्कुलर पॉइंट है और सर्कुलर पॉइंट को टीचिंग करने के लिए हमें एक्स वाई जेड ए बी सी सिक्स एक्सिस का बटन की यूज़ करने होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोबोट बहुत ज़्यादा डैश मतलब टच हो रहा था पार्ट में, तो अभी हमने रोबोट को एडजस्ट कर रहे हैं एक्स वाई जेड की मदद से और उसके बाद हम इसे परफेक्ट टीचिंग पॉइंट पे ला करके यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं पैनल में आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से हम एडजस्ट करने के बाद टचअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ऑप्शन होता है, कैंसिल, दूसरा होता है एक्सिलरी पॉइंट, तीसरा होता है एंड पॉइंट। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि हम यहाँ पे टीचिंग कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें एक्सिलरी पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उसे यस कर देंगे कि हम उसे यस कंफर्म करेंगे कि हम यही पॉइंट टचअप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से वायर को रिट्रैक करेंगे, इसके ऊपर वाला बटन वायर फीड का है जो वायर को फीड करता है और ये वायर को रिवर्स करता है मतलब ऊपर ले जाता है। यहाँ से हम उसी ब्लॉक सिलेक्शन में रखते हुए रोबोट को आगे करेंगे, एडजस्ट करेंगे अगले पॉइंट के लिए और अगला पॉइंट पर रोबोट को एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से और वायर को फीड कर करके चेक करते रहेंगे कि हमारा परफेक्ट जो वेल्डिंग पॉइंट है उसी पॉइंट पे है या नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद फिर टचअप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन था एंड पॉइंट, उस एंड पॉइंट पे क्लिक करके इस वेल्डिंग पॉइंट को फिनिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारा ये वेल्डिंग कंप्लीट, ये रो हमारा वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे रो पे जाने के लिए हम दूसरे रो पे क्लिक करके सिंपली ब्लॉक सिलेक्शन करेंगे। ब्लॉक सिलेक्शन करने के बाद और उसके बाद दोस्तों एंड पॉइंट पे सिलेक्ट करके और उसे एंड पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शन लेने के लिए दोस्तों हम दूसरे रो पे क्लिक करेंगे और ब्लॉक सिलेक्शन करेंगे। ब्लॉक सिलेक्शन करने के बाद हम फिर रोबोट को एक्स वाई जेड ए बी सी के एक्सिस की मदद से उसे मूव करके आगे ले जाएंगे। आगे ले जाने के बाद सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, एक्सिलरी पॉइंट ऐड करना होता है। तो हम रोबोट को एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से एक्स, यहाँ पर हम देख आप देख रहे हैं वाई माइनस वाई प्लस से एडजस्ट हो रहा है। अभी एडजस्ट करने के बाद हम एक्सिलरी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आप देखते रहिए। अभी मैं आपको पेंडेंट की तरफ ले चलता हूँ। अभी रोबोट में आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर एडजस्ट किया जा रहा है। एडजस्ट करने के बाद जैसे वायर परफेक्टली मैच हो जाएगा हमारा वेल्डिंग पॉइंट पे, तभी हम टचअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इस साइड में देख सकते हैं मैं वायर को रिट्रैक और फीड कर रहा हूँ। यहाँ पे टचअप पे क्लिक करने के बाद हमारा वही सेम ऑप्शन आता है,
सेम ऑप्शन आने के बाद हम टचअप पे क्लिक करने के बाद एक्सिलरी पॉइंट लेंगे, क्योंकि हमने अभी अभी नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया था। और इसके बाद से फिर हम रोबोट को एडजस्ट करेंगे सेम प्रोसेस के साथ, सारी चीज़ें वही रहेंगी, हमारा ब्लॉक सिलेक्शन वही रहेगा जिस पे हमने एक्सिलरी पॉइंट ऐड किया, उसको चेंज नहीं करना है। और उसके साथ ही हम टचअप पे क्लिक करके और यस करेंगे एक्सिलरी पॉइंट पे, और उसके बाद उसी ब्लॉक सिलेक्शन में हम फिर से रोबोट को अगले पॉइंट के लिए टचअप करेंगे। अगले पॉइंट पे टचअप कर एक्स वाई जेड जो भी हमारा एक्सिस यूज होता है रोबोट में, एक्सिस यूज करके एडजस्ट करने के बाद हम उसे टचअप करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहले से रोबोट एक्सिस में डाला हुआ था, लेकिन अभी हमने रोबोट को वर्ड में डाला है यहाँ पे सेलेक्ट करके। तो वर्ड में डालने के बाद हमारा सारा रोबोट एक साथ मूव करता है, लेकिन जब एक्सिस में रहता है तो पर्टिकुलरली हमारा एक एक्सिस ही मूव करता है जिधर भी हम मूव करें। उसके बाद टचअप पे क्लिक करेंगे और हम एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी टचअप हो जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट टचअप करने के लिए फिर से हम अगले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और उधर ब्लॉक सिलेक्शन करेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आप देखते रहिए यहाँ पे टचअप की प्रोसेस चल रही है। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको लीनियर वेल्डिंग के बारे में बताया था, आप अगर जो लीनियर वेल्डिंग के प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, या इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में आपको बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जैसा कि पासवर्ड कैसे डालते हैं, मास्टरिंग कैसे करते हैं, और लीनियर टीचिंग कैसे करते हैं, रोबोट को अनमास्टर कैसे करते हैं, ये सारी प्रोसेस के लिए सेपरेटली वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।